व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। व्लॉग देखने वाले तो समझ गए होंगे, कॉपी किया है। सोच रहे हैं अभी अपना क्या बनाना है, कॉपी किया है जेएस पाजी का। आप कमेंट करके सजेस्ट कीजिए, वेलकम ग्रीटिंग मैसेज क्या बोल सकते हैं हम, बताइएगा जरूर। और एक दो लोगों ने मुझे बताया कि वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो गाइस जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाला। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो आप मेरे, सारे इक्विपमेंट धीरे धीरे करके लूंगा, फिर आवाज भी अच्छी आएगी, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। अब धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि आज हमने दुकान खोली और सब चीजें आज ही ले आए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। और कैसे हैं आप सब लोग? आप सोच रहे होंगे आज फिर मैं सब्जी काट रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया था ना, देखिए कितनी सुंदर कटिंग करता हूँ मैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज। कॉन्टैक्ट और कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको चाहिए हो कटी हुई सब्जियां। ये देखिए मैक्रोनी बन चुकी है, देखिए कितने सुंदर कलर आए हैं वेजिटेबल से। One hour later. तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाने जा रहा हूँ, होप करता हूँ आपको पसंद आएगी, खासकर बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। आप बनाइए, बहुत इजी है। आइए शुरू करते हैं। आपको लेना है चॉकलेट सिरप, ये आप हॉट चॉकलेट पाउडर से भी बना सकते हैं, चॉकलेट मेल्ट करके भी बना सकते हैं, मिल्क में पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। वो ले लीजिए, थोड़ा थिक होना चाहिए। फिर हम ये लेंगे चिप्स, चिप्स लेंगे, चिप्स को डिप करेंगे इसमें, हाफ हाफ डिप करके इसको ऐसे रख देंगे। फ्यूजन टेस्ट आएगा मीठे का, नमकीन का। जिन लोगों को फ्यूजन पसंद है दे विल डेफिनेटली लव इट। एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, उसको कभी भी खा सकते हैं। कोई भी चिप्स ले सकते हैं, कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, इसको फिर ऊपर डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे सामान नहीं मिला। इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं चॉकलेट, और इसमें थोड़ी थोड़ी जेली लगा देंगे ऊपर, इस पर थोड़ी जेली लगा के इसको केवल 10 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और कड़क हो जाए, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, चॉकलेट जो है हार्ड हो जाए। तो गाइस हमारा पोवर्ट हो गया है जो हमने भी बनाया था, ये चिप्स चॉकलेट चिप्स। इसमें जो सिरप था ये हमें चॉकलेट से मेल्ट करना था, ये हमने क्या कोको पाउडर से बना दिया था गलती से, तो इसलिए ये थिक नहीं हुआ थोड़ा। तो टेस्ट में अच्छा है, खाने में कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है। तो जो हम चाह रहे थे कि चॉकलेट क्रिस्पी हो जाएगी, जम जाएगी, वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे फिर बताएंगे आपको। तो ये देखिए गाइस, किसी ने केक भेजा है, पता नहीं कौन दे गया, एनिवर्सरी का केक है शायद, भेजने वाले का नाम नहीं, कोई ग्रीटिंग नहीं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन प्लीज़ अपना नाम तो लिख देते, सेंडर्स नेम ही नहीं लिखा है इसमें, कोई मैसेज नहीं है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों जो लोग स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा टेंशन होता है ये स्क्रीन आते ही कुछ टाइप करना। आप सपोज करो आपको लिखना है कयामत से कयामत तक, तो आपको पूरा कीपैड घूमना पड़ेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, परेशान हो जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, ये देखिए बहुत ही कूल सा डिवाइस है, छोटा सा नन्ना सा छोटू सा, ये है रिमोट स्मार्ट टीवी के लिए। कई लोगों को पता नहीं होता, जो लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये चार्ज कर सकते हैं इसको, चार्जिंग पोर्ट है ये। ये देखिए इसमें कुछ भी टाइप करना बहुत आसान है, कोई भी कुछ भी लिखना हो, कोई मूवी का नाम लिखना हो, पासवर्ड डालना हो, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, बहुत ही ईजी हो जाता है इससे। A few inches later. तो गाइस सीन ये है कि कहीं जाना तो है नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, सेलिब्रेशन करना है एनिवर्सरी का, तो केक काटते हैं, आइए सॉरी केक्स काटते हैं,
आओ चड्डा साहब। कितने खुश है चड्डा साहब, दो दो केक काटते हुए। खुशी का ठिकाना नहीं है, बस चड्डा साहब का गिफ्ट रहेगा लॉकडाउन के कारण। मिलेगा मिलेगा, ड्यू रहा। कौन सा वाला काट, कौन सा वाला काट, हाथ लगा दूंगा। दोनों का है, अकेले तेरे का नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। ये आ गया बाहर। अरे वाह, क्या ऊपर मलदूपुर है इसके। तुम बोला काट कर देख रहे हो, देख रहे हैं सर आप। कोई हमें बुक्कर कह रहा था अपने ब्लॉग में। अरे यार देखते रहिए बस। बहुत ही हमें टेस्ट ठीक तो यार। ऑर्डर्ड बाय द कपूर, क्रेडिट गोज टू मी। इस कंपनी वाले ने हमको पैसे नहीं दिए तो इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे कहाँ से आया, लेकिन केक बहुत जम है। इससे पूछेंगे कि पेमेंट देगा तो हम नाम बताएंगे। ओ, पेड प्रमोशन, मतलब केक तो एटलीस्ट दे ही सकता है। छोड़ी नहीं गई है चड्डा साहब, केक खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, आधा कर दिया। तो गाइस केक कट चुका है, गलती हमसे ये हुई कि कैंडल बुझाना भूल गए। कोई बात नहीं, चलता है। थैंक्स टू कोहली साहब फॉर लवली केक। पता चल गया हमें केक किसने भेजा था, दूसरा केक दक्ष ने भेजा था। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इस प्यार के लिए, आपके विशेष के लिए। थैंक यू। वन पेयर ऑफ पैंट्स लेटर, एवरी गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो इस अच्छे से ब्लॉग को ख़त्म करने का समय आ गया है। जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मत कीजिए, आपकी इच्छा है, आपको पसंद नहीं आ रहा लगता है। चलिए गुड बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी थोड़ी बैटरी डाउन हो गई है, सो के उठे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। बाय।